नमस्कार साथियों, आप सभी का एस्कोर प्लस पर स्वागत अभिनंदन है। आज के सेशन में साथी हम लोग देखने वाले हैं कि लोको पायलट की तैयारी करने का वास्तविक सही तरीका क्या है, एग्जाम के क्या पैटर्न है, एग्जाम के हिसाब से हम क्या प्लानिंग करेंगे कि हम सफलता को आसान बना सकते हैं। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया एस्कोर प्लस और एस्कोर प्लस पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथी हम लोग बात करेंगे साथी, रेलवे लोको पायलट बनने के लिए आपको तीन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपका सीबीटी वन है यानी जो प्रीलिम्स कहते हैं, सीबीटी टू है जिसे आप मेंस कहते हैं, और तीसरा आपको साइको परीक्षा है जिसको आप फाइनल कह सकते हैं। साथी अगर हम लोग बात करेंगे, ये सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होगी, कंप्यूटर पर बैठ के एग्जाम देना है। सबसे पहले चलेंगे सीबीटी वन में हमें क्या पढ़ना है। सीबीटी वन की बात करेंगे तो आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और जीके पढ़ना है, यानी चार, यानी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और जीके हो गया, ये चार सब्जेक्ट पढ़ना है और चारों मिला के 75 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है और 75 क्वेश्चन भी होने वाला है। प्रश्नों की संख्या भी 75 और मार्क्स की भी संख्या 75 की बात हो रही है। अगर इसको बात करोगे जनरल कैटेगरी के लिए 40% पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे साथी, यानी 40% से ज्यादा लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी सीबीटी टू के लिए आप वैलिड रहेंगे। सीबीटी टू की यदि बात करें यानी प्रीलिम्स आपने पास कर लिया, सीबीटी टू परीक्षा में दो पेपर में बांटा गया, पेपर वन और पेपर टू। पेपर टू जो हमारा है उसमें आपको पढ़ना है संबंधित ट्रेड, रिवेलेंट ट्रेड, जिस ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड से 75 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए 60 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। इसमें क्या होता है, ओनली क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट नहीं जुड़ता है साथियों, मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब इधर आता है प्रश्नों की संख्या 100 जो कि पेपर वन में है, ये पेपर टू की बात कर रहे हैं, ये अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर वन चेक नहीं होगा। पेपर वन की बात यदि आप करेंगे साथियों तो आप गणित है, आपका रीजनिंग है, आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है। अब सोचिए ये तीन सब्जेक्ट मिला के 100 नंबर की बात कर रहा है, और इसमें से खासियत क्या है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 50 नंबर का है, बीएससीडी के नाम से ये फेमस है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 50 क्वेश्चन है और 50 में मैथ और रीजनिंग है। इसका मतलब मैथ और रीजनिंग का वेटेज तो है ही, लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी इसी से आपको मेरिट बनने की बात होगी। तो ये मेरिट वाली सब्जेक्ट साथी हैं, इसके बिना आप बिल्कुल आप मेरिट नहीं बना सकते हो। तो ये विषय को आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, और पेपर वन में अगर बीएससीडी बढ़िया है तो साइको के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी साइको की परीक्षा दे सकते हैं। अब यदि साइको की परीक्षा पास कर लेते हैं, साइको की परीक्षा यदि पास कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित आपकी मानी जाएगी। तो साथ तैयारी करने का प्लानिंग क्या है, सबसे पहले सीबीटी वन की बातें हैं, सीबीटी टू की बातें हैं, साइको की बातें हैं। सबसे पहले अभी सीबीटी वन पर फोकस करें। सीबीटी वन पर फोकस करने का वास्तविक तरीका क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, साइंस पूछेगा, जीके पूछेगा। सीबीटी टू की तैयारी अभी से साथ साथ करें, आप ये समझेंगे कि सीबीटी वन के बाद करेंगे तो टाइम मिलने वाला है, इस बार नहीं है, पिछले बार भी कम समय मिले थे, इस बार भी कम समय मिलेंगे। तो साथियों सीबीटी टू के लिए आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड पर पकड़ बनाना है, क्योंकि ये दोनों पर पकड़ बना लेंगे तो मैथ रीजनिंग तो सीबीटी वन में पढ़ ही रहे हैं, तो आपको विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों इसके लिए आपको रेगुलर टेस्ट देने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेशन की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे स्कोर प्लस पर लगातार साइंस के 2023 चलाए जा रहे हैं, जिसमें 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 बायो, यानी टोटल 60 क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन का सीरीज अलग अलग शिक्षकों के द्वारा कराया जा रहा है। ट्रेड की बात करेंगे, ट्रेड के लिए इलेक्ट्रीशियन की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्लास रेगुलर यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है। दूसरा बात, स्कोर प्लस की अपनी टीम है, स्कोर प्लस की टीम के माध्यम से स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्स उपलब्ध हैं, जिसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी कोर्स उपलब्ध हैं, आपके साइंस के भी कोर्स उपलब्ध हैं, साथ ही ट्रेड के भी कोर्स उपलब्ध हैं। तो साथियों देखना ना भूलें, जुड़े स्कोर प्लस के साथ, सफल हो स्कोर प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच साथी।